मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आज हम करेंगे कक्षा 4 का ईवीएस का पाठ नंबर 19, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या नाम है लेसन का? एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब हमें सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस लेसन से हम जो भी सीख रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि हमें सफाई क्यों जरूरी है, हमें सफाई का विशेष ध्यान क्यों रखना चाहिए घर पर, अपने चारों ओर, अपने स्कूल में, और जो भी आपके मतलब जहाँ भी आप रहते हो, कहीं पढ़ते हो, है ना, कहीं खेलते हो, हर जगह हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस लेसन के माध्यम से हम सफाई के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आओ कक्षा को सजाएं। अब यहाँ पर आपको क्लास का सीन दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये एक क्लास का सीन है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? बच्चे कक्षा को सजा रहे हैं। बच्चे कक्षा को सजा रहे हैं, है ना, कुछ फरियां सी लगा रहे हैं, है ना? यस। रंग बिरंगी, है ना? यस। तो इस लेसन को पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेन पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साहित थे। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। हम सब मिलकर कागज के टुकड़ों, पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलीथीन, खाली हुए पेन व रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो। रजनी कहती है, मैडम यह सारा कचरा एक ही डिब्बे में क्यों ना डाल दें? अध्यापिका कहती है, नहीं, यह कचरा दो तरह का है। कितने तरह का है? दो तरह। क्या आपको लग रहा है कि ये कचरा दो तरह का है? यस। कैसे? क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है। और कागज के छिलके और पेंसिल के छिलके गल जाते। हाँ, और दूसरा जो शीशियां हैं, है ना, और जो पॉलिथीन है या प्लास्टिक के अलग से कुछ चीज है, इनमें से अलग अलग कचरा इसलिए हो गया क्योंकि ये सब जो पेंसिल के छिलके हैं, कागज है, क्या कागज को तो हम रीयूज कर सकते हैं ना, दोबारा से कागज बनाया जा सकता है, कांच से कांच भी बनाया जा सकता है, लेकिन पॉलिथीन ना गलता है ना खत्म होता है, है ना? यस। और अगर कहीं मान लो ये फंस जाए किसी नालियों में, कुछ और जगह, तो ये पानी को भी बहुत इकट्ठा कर देता है ना? तो कचरा जो है वो यहाँ पर दो प्रकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या वार्ता होती है इनकी। अध्यापिका कहती है, नहीं, यह कचरा दो तरह का है, कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का। एक तरह कौन सा हो गया? कागज और पेंसिल के छिलके, ये तो हो गया एक प्रकार का। और दूसरा कौन सा हो गया? पॉलीथीन, खाली पेन और शीशियां, ये दूसरी तरह का कचरा हो गया। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है। तो हम कचरों को ना जब कभी डिब्बे में डालें तो आप भी अलग अलग डिब्बों में ही इस प्रकार के कचरे को डालोगे। ठीक है, जैसे देखो, सोचो और लिखो, अपने आसपास देखो और लिखो कि तुम किन किन चीजों को कचरा कहोगे, जैसे फटे कागज, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके और टॉफी चॉकलेट के रैपर और फटे पुराने गंदे कपड़े, है ना, और पॉलीथीन की थैलियां, है ना। जैसे हम कभी दूध लेके आते हैं, कभी बिस्किट लेके आते हैं, कुरकुरे चिप्स लेके आते हैं, है ना, उन सब की थैलियां भी क्या है, अलग अलग, है ना। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? कचरा। ठीक है, आगे है, चर्चा करो, कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकते हैं? यदि हम कचरे को ऐसे ही खुले में फेंक दें तो क्या नुकसान होंगे, सोचो।
बीमारियां होगी, बीमारियां फैल जाएंगी, मच्छर बनेंगे, है ना, मच्छर पनपने लगेंगे वहां पर। और क्या होगा, नाली में कचरे फंस जाएंगे, नाली में कचरा फंस जाएगा, पानी इकट्ठा हो पानी जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा। यदि कचरा खुले में फेंकेंगे तो वह गल सड़ कर दुर्गंध फैलाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और वेरी हम बीमार पड़ जाएंगे। गुड। हाँ, तो इसलिए हमें कचरा जो है खुले में नहीं फैलाना चाहिए, समझ आ गया। आगे है, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? यानी कि जो घर पर हम कचरा डालते हैं, है ना, वेस्ट जो चीजें होती है, और जो स्कूल में वेस्ट चीजें होती है ना, जो हम यूज करके फेंक देते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? घर से निकलने वाला कचरा जैसे फलों और सब्जियों के छिलके या बीज जल्दी सड़ने वाला होता है, हाँ। जबकि स्कूल से निकलने वाला कचरा जैसे कागज, पॉलिथीन, खाली पेन इत्यादि जल्दी नहीं सड़ता है। यस, क्योंकि जो हम घरों में कचरा होता है हमारे, क्या होता है, सब्जियां ले आए, फल ले आए, वो जल्दी गल जाता है ना उनका कचरा। और जो स्कूल में होता है, जैसे बच्चे पेंसिल छील देते हैं, चिप्स के पैकेट लेके आते हैं, बिस्किट के पैकेट लेके आते हैं, वो सब जल्दी नहीं गलते, तो ये क्या होता है, इसमें यही अंतर होता है। आगे है, गांव तथा शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? अब ये तो था हमारा घर का और स्कूल का, आगे गांव और शहर से निकलने वाले कचरों में क्या अंतर होता है? गांव का अधिकतर कचरा गलने वाला होता है, जबकि शहरों में ना गलने वाले कचरे की अधिकता होती है। हाँ, क्योंकि देखो शहरों में तरह तरह के लोग आते हैं, विभिन्न इलाकों से आते हैं, कोई किसी तरह का कचरा फैलाता है, कोई किसी तरह का कचरा फैलाता है, गांव में इतना कचरा नहीं होता। कैसा कैसा कचरा? कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि कचरे का निस्तारण क्या होता है, क्या होता है कि जब कचरे का हम सही से निपटान कर देते हैं ना, कि उसके उठा के उधर रख दिया, फिर उससे या कुछ अलग चीज बना दी, ठीक है, तो वो हो गया कचरे का निस्तारण। क्या हो गया, क्या हो गया, कचरे कचरे का। का और निस्तारण, निस्तारण से पहले कचरे को छांट कर दो तरह के कचरे में अलग अलग करना जरूरी है, समझ में आ गया, कि एक तो होता है गलने वाला कचरा और दूसरा न गलने वाला कचरा। तो इसको जब हम अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनसे जो चीजें बनती है या कुछ उसको रीयूज किया जाता है, तो होता है कचरे का निस्तारण, समझ आ गई ना। आगे है, गलने वाला कचरा। गलने वाला कचरा, यह कचरा गल कर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे कागज, फल, सब्जी छिलके, सब्जी के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, जंतुओं का मल मूत्र जिसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, और सूखी पत्तियां आदि, ये होता है गलने वाला कचरा, समझ आ गया। ये सब क्या करता है, मिट्टी मिलके मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, समझ आई। जैसे आपने देखा होगा खेतों में लोग खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं ना, और तो ये सब क्या है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, उसकी पैदावार को बढ़ा देता है। कौन कौन सा था इसके अंदर, कागज हैं, फल हैं, सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, और जंतुओं का मलमूत्र अंडे इत्यादि। का खोल भी हाँ ठीक है, वो भी क्या करता है, उसको उपजाऊ बना देता है। कौन आगे सा क्या है, न गलने वाला कचरा, जो कचरा गलता नहीं है, तो वो कौन सा है, जैसे न यह कचरा न गलता है न मिट्टी में मिलता है, जैसे प्लास्टिक है, लोहा है, पॉलीथीन है, कांच है, इसलिए उस मैडम ने उनको अलग-अलग डाला था, समझ में आ गया ना। यस तो छांटो और लिखो। अब ये नीचे कुछ एक तालिका दी गई है, ठीक है, निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पर लिखो। अब यहां देखो, यहां क्या-क्या दिया हुआ है, केले के छिलके हैं, और क्या है, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियाँ,
गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयां और गोबर। गोबर। तो सबसे पहले हम गलने वाला कचरा ये करेंगे। तो गलने वाले कचरे में सबसे पहले क्या आता है जो गल जाता है? इसमें केला का छिलके, केले का, केले के छिलके। केले के छिलके, ये गलने वाले कचरे में आएगा। तो हम इसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है, गलने वाला कचरा। और क्या है दूसरा? सूखे पत्ते, सूखे पत्ते भी कहां पर आएगा? गलने वाला गलने कचरा। वाले कचरे में, ठीक है। दो नंबर पे आ गया हमारा सूखे पत्ते। तीसरा कौन सा आएगा? फटा हुआ सूती रुमाल। हाँ, फटा हुआ सूती रुमाल। ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा गलने वाला कचरे में, ठीक है। उसके बाद क्या है? गत्ते का पुराना डब्बा। हाँ, गत्ते का पुराना डिब्बा, क्योंकि कागज जितना भी होता है ना वो गलने वाला होता है, ठीक है। तो चार नंबर पे आ गया हमारा गत्ते का पुराना डिब्बा। उसके बाद गोबर, गोबर। ठीक है। तो पांचवें नंबर पे आ गया हमारा गोबर। ये सब गल जाता है, ठीक है। और नए गलने वाला कचरा, जितनी भी हमारी चीजें बच गई यहाँ पर, चिप्स के रैपर है, लोहे के टुकड़े हैं, पॉलिथीन की थैलियां हैं, कांच के टुकड़े हैं, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयां, ये सब किस में आ जाएंगे? नए गलने वाले कचरे में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आप सबने ये एक्सरसाइज जो है अपनी अपनी कॉपी में करनी है और इसकी फोटो खींच के अपने स्कूल के ग्रुप में डाल देनी है, ठीक है।